चबल रानना ना तेन समझ ना सोर है तू उत्ते हद बोल दी पई है और मैं इथे रिसर्च करदा पया सियाने आख गण के हर खोडे चुंगल नहीं दिवींदी मैं हर खोडे चुंगल दे के वेखना चाहना के सियाने सच आख गण के मैं झूठ फरमा गए सियाने सच आख गण है तू धम्मी नूर पीरे वाले नाल सानू किसे बुमाल ते ना गत्ती पिया रोटी पक्की पी रोटी आन के दाखला यार आप लोग ना मुझसे बहुत जो है ना करते थे यार नाराजगी रखते थे कि आप कोई अंकल उंकल वेच लेकर आओ यार आप अकेले बैठते हो इस बाग के अंदर वीडियो बनाने के लिए तो मैं ये देखो छोटा सा अंकल नहीं बहुत बड़ा ऊपर से नीचे तक देखो यार बहुत बड़ा अंकल आप लोगों के सामने लेकर आज अंकल साहब एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं एक ऐसी हकीकत बताने वाले हैं आप लोग सुनकर हैरान हो जाओ। आज हम फैसला करेंगे मेरे भाई रमजी का और इसके अलावा माई साबरा का और सुगरा का कि ये हटियां हैं या हटाइयां गई हैं। इसके अलावा मेरे भाई ये चाचू जी और अंकल जी ये हमें इस चीज़ की मालूमात देंगे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है मंजर अब्बास और आप लोग देख रहे हैं YouTube चैनल जियो पंजाब। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे भाई आंटी जी अंकल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के। कल परसों मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की उसका बहुत है, लाहौर में एक वाकया हुआ है उसकी मैंने वीडियो बना दी थी, फिर मैंने सोचा कि यार पहले ये वीडियो बनाते हैं इसके साथ हो सकता है नेक्स्ट वीडियो वो भेजें। तो जनाब ज़रूरी बातें आपसे करनी है आज, क्योंकि ज़रूरी बात पे आप ज़रूर तवज्जो किया करो। मैं आज इस अंकल से बहुत एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात पूछने वाला हूँ कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि बहुत अरसे से मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूँ और कोई एक हफ्ता या दो हफ्ते हुए हैं मुझे ये रचनावी टीवी और अम्मा साबरा और सुगरा का इनकी स्टोरी अपने सामने बयान करने के लिए। तो ये अंकल जी जब मुझे मिलते थे ना ये पूछते थे यार ये सुगरा कौन है, ये साबरा कौन है, ये रमजी को खैर जानता है, और कहते हैं यार इनकी क्या स्टोरी है जो आप इनको सामने बताते हो या दिखाते हो। आज फैसला ये करने वाला है बंदा, ये करेगा और आप लोग करना प्लीज़। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना ताकि और ऐसी नई वीडियो मज़ेदार आप लोगों के सामने आ सके। तो अंकल जी लव यू हो गया, तुसा सानू टाइम दिता अपने कीमती टाइम दे विचू टाइम दे, क्योंकि यो जे अंकल भाई सौखे मिलते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, अंकल साहब और अपने बच्चों की रोज़ी करने के लिए मतलब दूर दराज तक जाते हैं, तो आज मैं इनकी मेहनत करके ले आऊँ कि मैंने सोचा कि मैं यार आप ये ना सोचो ये छोटा सा मुंडा यार पता नहीं क्या क्या कहता रहता है क्या क्या यार यूट्यूब पर, आज तो मैं बहुत बड़ा आदमी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, इनसे पूछते हैं कि इनको बताता हूँ मैं स्टोरी, तो फैसला ये करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? ठीक हो, खुश हो? अल्लाह का शुक्र है। हाँ यार मेरे व्यूअर जो है ना ये बहुत दिन से कह रहे थे यार को बड़ा आदमी लेकर आओ, तो आप अकेले में काम करते हो और इस साबरा और सुगरा की आपने मुझ पर एक सवाल किया था और ये कहते हैं कि यार ऐसा करो कि हमें स्टोरी बताओ हकीकत, आज फैसला तुम्हारे पर मैं छोड़ने वाला हूँ। तो यार ये आपने एक दिन पूछा था मुझसे कि सुगरा और साबरा और ये रमजी सियाना और ये भोतना और ठाकर और वो कुकी साहब इनका क्या मसला चला है, तो आप रोजाना क्यों वीडियो बनाते हो? बहुत अरसे से सुगरा काम कर रही थी इस रचनावी टीवी पर, ठीक है, रमजी के साथ, रमजी के साथ ऐसा कुछ ट्रेंड था। अभी किसी लोगों को नहीं पता कि वो शादीशुदा हैं, रमजी ने उसने असलियत शादी की है कि नहीं की सुगरा के साथ, ये मालूमात भी इनको जरूर देंगे। तो ये अचानक हट गई है, दो मावा दिया करती थी काम एक चैनल पर, वो इसको सैलरी देते थे 40,000, तो वो कहती थी हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा घर का खराजात नहीं चलता था। क्या माई साबरा और सुगरा ने ये गलत कहा? नहीं, नहीं कहा? नहीं। तो ठीक है अंकल जी, आप इनको बताओ, आपकी बात हो सकता है ये मान जाएंगे, बहुत सेंसिटिव लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि उन्हें
उनने कुछ ज्यादती की है रचनावी टीवी पर, उन्होंने हटकर अच्छा किया है कि उनको क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, आज इन लोगों को आप बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई साबरा और माई सुगरा, जो इंसान है माड़ा या चंगा है उसके इनके घर जेड़े हैं ना अखराज बहुत है। जेड़ा एक काम है ये कर लो या मजदूरी कर लो, कोई ऐसा वैसा काम कर लो, वी 25,000 नाल घर नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ये साबरा ये सुगरा उन्हें एक ठीक किया है, वापस आ गई है, बहुत अच्छा। उन्हें अपना चैनल बनाया है, माड़ा चलता है या सही चलता है ये उनका नसीब है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और रमजी है, रमजी साडा भाई है पिया, साडा दोस्त है, अच्छा एक्टर है पिया, उसको महसूस नहीं करना चाहिए भैया ये कि क्यों वापस गई है। बहुत अच्छे है, वेलकम अंकल जी ने बहुत बड़ी बढ़िया बात कही है आप लोगों को। और नूरी है, नूरी बहुत बड़ी यानी कि एक्टर है, सुगरा वापस आई, नूरी को उस यानी कि अपने चैनल को बुला लिया है। यह नूरी का नसीब अपना है और इनके सुगरा का नसीब अपना है, इसके बारे में बताओ। अच्छा जी, वेलकम हो गया जी, अंकल साहब ने एक बढ़िया बात कही है, बढ़िया कहते हैं कि बहुत अच्छी बात, ये काफ़ी यार मेरे में गुण है इंडिये के, ये कभी कभी मैं बोल देता हूँ। You were a chalak bro. अंकल साहब ने ऐसा कहा है कि उन्होंने अच्छा किया है, वापस हट गई हैं। इनको रमजी साहब को बुरा नहीं बनाना चाहिए बल्कि उनको दुआ देनी चाहिए। हाँ, दुआ देनी चाहिए कि हर किसी का अपना अपना नसीब है। नूरी चली गई है तो सुगरा ने ये नहीं कहा कि आपने नूरी को क्यों रखा है। हाँ। और नूरी ये नहीं कह सकती कि आपने सुगरा को क्यों पीछे भेज दिया। हर किसी का अपना नसीब है, आज हम यहाँ है कल पत्नी हम कहाँ होंगे। हाँ। तो इस स्टोरी के अंदर आप लोगों को मैंने इतनी एक मालूमात दी है। बहुत सारे यार गलत वीडियो बनाते हैं, प्लीज करता हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी ना व्यूज बढ़ाने के लिए आप गलत वीडियो ना बनाया करो। रमजी भी हमारा भाई है, जो सुगरा का उस्ताद है तो मेरा भी उस्ताद है, तो उनका उस्ताद है, बहुत बड़ा एक्टर है मतलब इस सराकी लेवल का। तो हम रमजी भाई से शुक्रिया करते हैं कि उनको हमेशा दुआ देते रहें और आपस में बनते रहें। स्पेशल चैनल किसी पर भी वो काम करते हैं, अपना करते हैं, दुआ करें उनको कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। तो बहुत सारी मालूमात और जानकारी मैं और अंकल लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हूँ। ये नवे बंदे के लिए बहुत ही इंसिटैप होता है यार, मुश्किल होती है कि कैमरे के सामने बोलना। मैं किसी न किसी कार के इस अंकल को लेकर आया हूँ और हो सकता है ये आते भी रहे मेरे साथ है। तो अगर कोई बात अंकल की अच्छी लगी है कि इसकी तरफ से आपने ज़रूर एक कमेंट करना है। तो उम्मीद करूंगा ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई वीडियो पसंद आया, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़, अगर आप ऐसी और नई वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी यार कर लिया करो। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो अच्छी के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।